पब्लिक टीवी आपकी आवाज। माननीय श्री सर्वेश कुमार सिंह जी ने नामांकन कराया है और इस अपेक्षा के साथ कि हम लोगों ने जो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में काम किए उन कामों के आधार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के आधार पर, हम लोग जो उनका संकल्प है 400 पार का, उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद भी अपना उसमें योगदान देगा, इस अपेक्षा के साथ हम जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने पूरे सरकार का 10 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो काम हमारी सरकार ने किए हैं उन कामों के दम पे, विकास के एजेंडे के आधार पर, और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों को लेकर चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि बड़े अंतर से मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीतेगी और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भूपेन्द्र जी, पिछली बार मुरादाबाद मंडल में आप लोगों की परफॉर्मेंस थोड़ा खराब रही है, क्या इस बार क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई है मुरादाबाद मंडल के लिए? अब निश्चित रूप से पिछले लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सब गठबंधन में थे और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 51% से ज्यादा वोट मिले और हम 80% सीटें जीते। हमने उन सारे कारणों की समीक्षा की है जहाँ राजनीतिक दृष्टि से परिणाम हमारे अनुसार नहीं आए थे, लेकिन प्रदेश की महान जनता ने 2014 में भी, 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश दिया है और मुझे विश्वास है मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भाजपा जी हारी। हमारी तैयारी हमेशा रहती है, कभी चुनाव कर लो, 5 साल हारने के बाद लगातार क्षेत्र में अपने परिवार के बीच में रहे, परिवार की सेवा की है, उसका फल हमें मिलेगा, ये गारंटी है। इंडिया गठबंधन के सामने आप प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और समाजवादी एक साथ लड़ रही है, इंडिया गठबंधन कहाँ है, कहाँ देखा है इंडिया गठबंधन? सर ऐसे हसन कह रहे हैं आपके पास 400 पार में 400 हार होगा, क्या कहेंगे? 400 पार होगा, निश्चित देखते रहना, ज्यादा समय नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।